वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सॉरी सर लेट हो गया नो प्रॉब्लम ज्यादा लेट नहीं है चलिए शुरू करते हैं सानिध्य सानिध्य ठीक है भैया आवाज बंद करो चलो सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फाइव क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर दिए इसके सिक्स क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली such that AB is parallel to PQ जो जो बोला गया है वो आपको लिखना है सबसे पहले given पहले क्या दिया गया है A B C are the points on ये भी लिखना पड़ेगा ठीक है A B and C are the points on ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली और क्या दिया गया है ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल्स टू पी आर ये हमें दिया गया है यहाँ पे सानिध्य को मेरी आवाज आ रही है सानिध्य का कोई रिप्लाई नहीं आया यस सर आ रही है ओके ओके हमने पांच क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए वो देख लेना आपने देख भी ली होगी वीडियोस की ये है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस व्हिच एक्सरसाइज इज दिस मानव 6.2 यस सर ये है 6.2 है ना 6.2 के फाइव क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर दिए तो सिक्स हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये जो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन फिर उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे शो क्या करना है आपको या यहाँ पे लिख लो शो की जगह आप प्रूफ भी लिख लो प्रूफ बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर ठीक है बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर आपने कर दिया यहाँ पे ये प्रूफ करना है तो अब यहाँ पे प्रूफ तो प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा देखो बी सी पैरलर है सॉरी बी सी नहीं ए बी पैरलर्स टू पी क्यू है तो यहां से देखिए ए बी ये वाला है पैरलर्स टू पी क्यू है ये वाला तो मतलब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये वाला ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ठीक है हेलो हाँ हाँ बोलो यहाँ पे शोर हो गया था थोड़ा सा तब बंद कर दिया था मैंने चलो प्रूफ इन ट्राइंगल ओपीक्यू कौन से वाला ट्राइंगल ले गए हम ओपीक्यू ले गए जिसमें हमें दिया गया है ए बी इज पैरेलल्स टू अगर कहीं पे आवाज ना आए जल्दी से बता दीजिए पी क्यू ठीक है ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू है तो बीपीटी क्या बोलती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच ली जाए तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस तो अदर टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है या फिर प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये वाली जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी
इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, आगे रीजन क्या होगा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको नंबर वन दे देंगे, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, दूसरे वाले कौन सा पैरेलल दिया गया हमें, यहां पे पैरेलल दिया गया है एसी पैरेलल टू पीआर। तो एसी कौन सा है आपको, ये पैरेलल दिया गया है पीआर के। तो इसका मतलब आपकी आवाज कट रही है, नहीं आवाज कट रही होगी, मैं तो नहीं रुक रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरी आ रही है सर, कट रही है कि आप रुक रहे हो बीच बीच में, ऐसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, अभी भी रुक रुक के आ रही है क्या, अभी तो ठीक आ रही है, अभी ठीक है ना, फिर से अगर रुक रुक के आएगी तो बता देना। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है ए इन ट्राइंगल, अब लिखेगा हम इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, पी ओ पी आर, ओ पी आर। तो इसमें दिया गया है ए सी इज पैरेलल्स टू पी आर, ए सी पैरेलल्स टू पी आर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। इसमें भी रीजन क्या रहेगा, BPT, और इसको नंबर टू दे देंगे। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको, यस सर आ रही है, आप ऐसे उड़ के नहीं, कैसे सानिध्य को आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर, कट रही है बीच में, बाकियों को कट रही है, यस सर अभी भी, अभी तो नहीं, पहले जब आप बोल रहे हो बीच बीच में कट रही है। अच्छा अच्छा, बता देना मुझे अगर कटेगी फिर हम कुछ करते हैं। चलो यहाँ पे वन और टू को देखो, वन और टू में एक साइड सेम है, ये और ये, तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, From सर आवाज नहीं आ रही आपकी, वन एंड टू, अभी तो रुका था यार, फ्रॉम वन एंड टू ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू, सर आवाज कट, ओ सी अपॉन सी आर, सर आवाज कट रही है, हेलो अब आवाज अच्छे से आएगी आपको। चलो यहाँ पे मैंने ये वन लिखा, ये टू लिखा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, सर क्वेश्चन भी कर दिया, क्वेश्चन भी कर दिया ना, तो मेरे ख्याल से ये हो भी गया, करना क्या था, बी सी पैरेलल टू क्यू आर करना था ना, यहाँ से देखो ओ बी अपॉन ये वाला रिजल्ट आ गया, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पे देखो ओ बी अपॉन ओ बी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, ये आ गया। तो मतलब इस ट्राइंगल में देखे अगर, अब तो नहीं कट रही आवाज, अब नहीं कटेगी, अगर इस ट्राइंगल में देखे तो इस ट्राइंगल में ओ क्यू आर में, अगर हम ओ क्यू आर ट्राइंगल में देखे, ओ क्यू आर में, तो इसमें बी सी क्या आ जाए, ओ B अपॉन बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी पैरलर होगा क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ, कन्वर्स ऑफ, आपको लिखना बहुत जरूरी है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, पैरलर होगी, हमने कन्वर्स में ये पढ़ा था। क्वेश्चन क्लियर हो गया, और आवाज मेरी क्लियर है क्या, यस सर, आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सी है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले
एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, फिर देखते हैं आगे करना क्या है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है और इसमें क्या है, मिड पॉइंट से एक लाइन है। क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में। मैं यही बताने वाला था आपको, जब एक कंप्लीट हो जाना था क्वेश्चन तब मैं बताने वाला था आपको कि ये पेपर में नहीं आएगा, बट आपको करना चाहिए। तो सर इसमें कैसे रिकॉल, क्या मतलब नाइन्थ क्लास का क्या याद करना है यार? मतलब आपको वो चीज यहाँ पे लगेगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है क्लास नाइन्थ में, वो है बस। देखो अभी याद आई, बीपी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम की थी आपने क्लास नाइन्थ? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या बोलता था वो, देखो इस तरह से ट्रायंगल होता था एक, उसमें बोलता था कि ये एक पॉइंट है, पहले ये ए बी सी है, ये एक पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इससे एक सीधी पैरेलल लाइन आगे को खींची गई है, सीधी पैरेलल लाइन आगे को खींची गई है, तो ये प्रूव करना है कि ये इस साइड को भी बायसेक्ट करेगी। बायसेक्ट मतलब यहाँ भी ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। वही लाइनिंग यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो मिड पॉइंट इसका ले लेते हैं, मान लो इसका मिड पॉइंट आया यहाँ पे, ये मान लो आपका ई पॉइंट है, यहां से आपको पैरेलल लाइन खींचनी है, किसके, बी सी के पैरेलल लाइन आपने खींच ली, किसी एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन खींच ली, तो ये लाइन पैरेलल है इसके। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन इसकी साइड ए सी है वो भी बायसेक्ट होगी। बायसेक्ट का मतलब है कि एफ भी मिड पॉइंट होगा, किसका, ए सी का, ये आपको प्रूव करना है। यही आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में करते थे क्लास नाइन्थ में, जो आपको याद नहीं है अब। इसलिए याद करने को बोला गया है। चलिए यहाँ पे हम वो देखते हैं जो हमें पूछा गया है क्लास नाइन्थ का। चलो याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है कि ये तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल्स टू ई बी, यहाँ पे एफ था, ए किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा आपको, गिवन में लिख लीजिए जो आपको यहाँ पे गिवन है। गिवन है आपके पास E इज द मिड पॉइंट, मेरी आवाज आ रही है आपको, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, बीच में रिप्लाई कर लिया करो ताकि मुझे पता लगे क्या आवाज आ रही है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E आपका मिड पॉइंट है ए बी का, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया है। तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, तभी तो ए सी को बायसेक्ट करेगा। ये बायसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एफ अगर मिड पॉइंट होगा तभी ये क्या होगा, बायसेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि EF bisects AC, ठीक है, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, यही आप लिखिए जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है, जो मैंने लिख लिया है वही लिखना आपने। bisect का मतलब equal, equal का मतलब F को मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो AE अपॉन ई बी आपको ये इक्वल है, ई आपको क्या दिया गया, मिड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, मेरी आवाज फिर से कट रही है यार। देखो गिवन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे प्रूफ में हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ई बी, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ए बी ए किसके बराबर होगा, ई बी के होगा। ये क्लियर हुआ, यस सर। फिर उसके बाद देखो अब आगे क्या करेंगे हम, ए ई बी के बराबर है,
तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड की पैरलर एक लाइन खींची जाती है तो रेशियो क्या होता है दोनों का, इक्वल। तो यहाँ पे भी EF is parallel to BC, इट मीन्स दैट AE upon EB equals to AF upon FC by BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ये किया। गॉट इट? पता लगा? यस सर, लग गया। अब एक बात देखिए, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, AE upon EB को भी मैं AE लिख सकता हूं, बिकॉज AE equals to EB है, तो इक्वल्स टू AF upon FC। अब ये तो कैंसल हो जाएगा, वन आ जाएगा, इक्वल्स टू AF upon FC। यहां से FC क्रॉस मल्टीप्लाई करके AF के बराबर आ जाएगा, और जब बराबर आ जाएगा इट मींस दैट ये आ गया AF और FC आपस में बराबर, तो इसका मतलब है F is the mid point ऑफ AC, हेंस यहां पे क्या बोला गया था, the line drawn through mid point of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक लाइन खींच ली जाए जो मिड पॉइंट एक साइड के मिड पॉइंट से खींची जाए और दूसरी साइड के पैरलर हो तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। आपको क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? आज साउंड की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आज डिले बहुत हो रही है, आपको बड़ी लेट आवाज आ रही है मेरी। आ गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर एट में देखो सेम क्वेश्चन है। यूजिंग थ्योरम 6.2 कौन सी थी? कन्वर्स ऑफ BPT। तो वो आपको यूज करनी है यहां पे। Prove that the line joining the midpoint of any two sides. तो ये आपने midpoint theorem पढ़ी थी। ये midpoint theorem पे based question आपको पूछा गया है। Midpoint theorem में क्या होता था कि हम prove करते थे कि एक triangle है, triangle में दो sides के midpoint को join करके एक line खींची गई है। आपको prove करना होता था कि ये line इसके parallel है और ये line इसकी half है। बस ये दो चीजें आपको प्रूव करनी होती थी। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करने को बोला गया है कि पैरेलल टू थर्ड साइड प्रूव करना है। प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन थर्ड साइड, जो थर्ड साइड दो तो ये हो गई जिसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तीसरी साइड के पैरेलल प्रूव करनी है और विद द हेल्प ऑफ 6.2 थ्योरम करनी है। 6.2 थ्योरम इज योर कन्वर्स ऑफ BPT। क्या हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें? यहां तक क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लिया, फिर हमने इसके मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट मान लो इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, दोनों के मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन बन गई, तो इसको नेम दे देते हैं ABC और फिर से यहाँ पे E and F ले लेते हैं। और गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हम लिख ले गए यहाँ पे EF and F are the मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर आपको प्रूव क्या करना है, EF parallels to BC आपको ये प्रूव करना है।
तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। प्रूफ में हम क्या लिख लेंगे कि इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ई बी। वैसे ही एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं कि हम अगर यहां पे डिवाइड कर दे, हम अगर यहां पे डिवाइड कर दे तो क्या बनता है। देखिए पहले तो हमें ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहां से, ये वाला याद रखना भाई क्या क्या हमने लिखा था। ठीक है, ये हम इरेज कर देते हैं। अब यहां पे अगर मैं इस तरह से करूं ए ई डिवाइडेड बाय ई बी, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया कि अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, यहां पे मल्टीप्लाई क्या करेगा, वन करेगा, तो वन में एक साइड रखूंगा तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन ई बी। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो ये ए ई अपॉन ई बी वन बन गया। वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वन कर रहा है तो यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ सी क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो उसी तरह से ये वन आ गया, ये टू आ गया, दोनों की राइट साइड में वन है, दोनों की राइट साइड में वन है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। मतलब ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होनी चाहिए, तो ई एफ पैरेलल किसके होनी चाहिए, बी सी के। ये हमने कहां सीखा था, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कि अगर रेशियो बराबर होता है तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और यूज करने के लिए भी इसमें क्या बोला गया था, 6.2 थ्योरम को यूज करने के लिए बोला गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कटी सर, आवाज कट रही है। हाँ आवाज तो कटेगी, कुछ प्रॉब्लम है आज, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो कभी सर इतनी कट रही है ना सर, वापस बोलना तो क्या बोलना, बहुत कट रही है आवाज आपकी, बहुत आवाज कट रही मेरी। नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको क्या, इतनी आवाज कट गई सर? क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलना तो मैं तो ढंग से बोल रहा हूँ यार, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि ये आवाज कट रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब मैं तो अच्छे से बोल रहा हूँ। हाँ सर वही सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर, आप सुन सुन बोल रहे हैं रेडियो से। आप तो सामने लिख के भी आ गए, देखो ये आपकी आवाज का अभी भी नहीं आ रही। आप मत बोलो सर, आप टेक्स्ट कर लो, वी कैन सी इट इन चैट बॉक्स। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर गिटार बज रहा है आपकी आवाज का? चलो यहाँ पे स्टॉप कर देते क्लास सर, हम आपका रिप्लाई चैट बॉक्स पे। नहीं सर मैं नवा कर रहा हूँ सर, ऐसी बात ही नवा करके जाएंगे, नवा करके नहीं जाएंगे यार, आवाज आ नहीं रही आपको, मुझे क्या पता क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ाने का। क्या बोल दिया, क्या बोल रहे सर, सर आपके